इधर मिडल ईस्ट में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले इसराइल में इस वक्त प्रदर्शन का दौर जारी है और इस प्रदर्शन का साइड इफेक्ट ये है कि नौबत अमेरिका और इसराइल की दोस्ती में दरार पड़ने की आ गई है। ज्यूडिशरी रिफॉर्म के कारण देश में गिरे हुए पीएम नेतन्याहू को उस अमेरिका का भी साथ नहीं मिल रहा जिसकी ताकत और सहयोगी भावना पर उन्हें खुद से ज़्यादा यकीन है। कैसे मिले अमेरिका इसराइल की दोस्ती में दरार के संकेत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इसराइल में भारी प्रोटेस्ट, दिखने लगे साइड इफेक्ट। नेतन्याहू का कानून सुधार अध्यादेश इसराइल के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है। अपनी जिद पर अड़े फ्रीडम एफ से सीख कर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नेतन्याहू पहले घर में घिरे, फिर सरकार में अकेले पड़े और अब वो इसराइल के लिए वैश्विक संकट का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहे हैं। क्योंकि गृह युद्ध की तरफ बढ़ते इसराइल के सामने हालात सबसे भरोसेमंद आधार को खोने के आ गए हैं। ये आधार है अमेरिका। दरअसल कानून सुधार संकट को लेकर अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपस में भिड़ गए हैं। पहले बाइडेन ने इसराइल के लिए प्रधानमंत्री का रुख अड़ियल बताते हुए दो टूक कहा कि इसराइल इस रास्ते पर लगातार नहीं रह सकता, इसलिए निकट अवधि में नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो वहीं नेतन्याहू ने भी इसराइल को संप्रभु बताते हुए किसी के दबाव में न आने का खुला ऐलान कर दिया। यानी बाइडेन और नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ चुकी है और इसके सबूत पानी की तरह पारदर्शी है। न्यायिक सुधार कानून को लेकर इसराइल में प्रदर्शन जारी है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। नेतन्याहू से न्यायिक सुधार कानून वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन नेतन्याहू नया कानून लागू करने पर अड़े हुए हैं, इसलिए सरकार और जनता का गतिरोध गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए इसराइल को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से खतरा बढ़ गया है। बावजूद इसके मध्यस्थता के सभी विकल्पों को बंद करते हुए नेतन्याहू अपने रुख पर अड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, जिसका असर अमेरिका में भी दिखा और असर ये हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और बाइडेन ने हालातों को देखते हुए नेतन्याहू को चेतावनी दे दी। बाइडेन के मुताबिक नेतन्याहू के न्यायिक सुधार प्रस्ताव पर अमेरिका चिंतित है। प्रदर्शन के कारण इसराइल के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ते हालातों के जिम्मेदार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इसलिए नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आमंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। बाइडेन को बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि इसराइल में अमेरिकी राजदूत ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाए जाने की बात कही थी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से अमेरिका के लिए ऐसा करना एक गलत संदेश दे रहा था। लेकिन बाइडेन के बयान से पहले नेतन्याहू ने इसे इसराइल का आंतरिक मामला बताकर बाइडेन को इससे दूर रहने का सुझाव दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। फ्रीडम एफ से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।